हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को होम कुकिंग चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए। आज हम बनाएंगे मावे की कुंजिया। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ये झटपट बन जाती है। फिर चलिए शुरू करते हैं। ये हम 3 कप मैदा लेंगे। इसमें गिरेंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और उसी कप से हम आधा कप घी गिरेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी से अच्छे सॉफ्ट बनते हैं, घी इसलिए गिरते हैं। ये देखिए घी मिक्स हो गया। अब इसका हम लड्डू सा बना के देख लेते हैं। अगर लड्डू अच्छा बनना है तो घी एकदम परफेक्ट है, नहीं बनना है तो थोड़ा सा घी और गिर लें। ये देखिए एकदम परफेक्ट बनना है तो घी एकदम परफेक्ट है। इसमें गिरते हैं हम थोड़ा सा पानी। थोड़ा थोड़ा करके गिरेंगे, एक साथ नहीं गिरेंगे। ये देखिए हमारा आटा लग गया। इसमें 7 से 8 चम्मच पानी लगाएं और हमने जिस तरह हम रोटी का आटा लगाते हैं इस तरह से लगाया। अब इसको हम किसी गीले कपड़े से या पिन्नी में ढक के रख देते हैं, उससे अच्छा लोच आ जाएगा एकदम। इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। इतने आटा रेस्ट कर रहा है, इतने हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें डालते हैं हम 2 चम्मच देसी घी। इसको कर लेंगे हम गरम। घी गरम हो गया, इसमें डालते हैं हम ड्राई फ्रूट्स। आप कैसे भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जौन से आपको पसंद हो। इनको थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं, रोस्ट करने से फ्लेवर अच्छा आएगा। ये देखिए हमारे भुने ड्राई फ्रूट्स, अब इनको हम निकाल लेते हैं। हम सेम कढ़ाई में बरूदा डालते हैं। अगर आपका घी खत्म हो गया तो उसमें थोड़ा सा घी गिर लें। इसको हल्का सा भूनेंगे 1 मिनट के लिए। 1 चम्मच घी गिरते हैं। घी हो गया गरम, हम 2 बड़ी चम्मच सूजी गिरेंगे। इसको हम चलाते हैं, हम इसको हल्का हल्का भून लेंगे। अगर आपको सूजी नहीं गिरनी, खाली मावे में बनानी है, तो आप सूजी को हटा दें। ये देखिए 2 मिनट हो गए, इसका कलर चेंज हो गया और इसमें से बड़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालते हैं हम 1 कटोरी पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। बरूदा डालते हैं जो हमने वो भुना था, इसको करेंगे मिक्स। ये एक हमने चला दिया और जो हमने ड्राई फ्रूट्स भुने थे उनको हमने काट लिया। अब इसको डाल देते हैं। इसमें हमने किशमिश भी डाली है। हमने 250 से 300 ग्राम मावा लिया है, इसको डाल देते हैं। और इसमें मावा जरूर डालें तो मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने सभी मिक्स कर दिया और ये हमने सभी का मंदी गैस पे कराया और ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने सभी निकाल लिया। अब इसको हम पंखे की हवा में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए इसको रेस्ट हो गया 10 मिनट का। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा गुथासा कर लेते हैं जिसमें अच्छा सा लोच आ जाए। इससे बहुत सॉफ्ट बनती है इस तरह से। अब इसकी लोई तोड़ लेते हैं। ये देखिए हमने इस साइज की लोई रखी है, हम ऐसी तोड़ लेंगे सभी को। हम इसमें थोड़ी सूखी मैदा लगा लेंगे। अब इसको हम बेलते हैं। ये देखिए हमने इसको बेल लिया। ये हमने साचा लिया है गुंजिया बनाने का, ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। अब इसको हम इसके ऊपर रखते हैं और जो हमने स्टफिंग बनाई थी अब इसको डालते हैं। ये डाल दिया हमने। अब इसके साइडों में हम पानी लगाते हैं, हल्का हल्का पानी लगाना है हमें। अब इसको इस तरह से बंद कर देते हैं, अच्छी तरह से बंद कर दें दबा के एकदम। जो ऊपर की साइड की है ये इन्हें हम इस तरह से तोड़ देते हैं और फिर इन्हें खोलते हैं। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है एकदम। हमारा तेल गरम हो गया, इसको हमने ज्यादा गरम नहीं कराया और इसकी गैस कर दी हमने बिल्कुल लो। अब इनको डालते हैं गुंजियों को। हम 2 मिनट के लिए इसी तरह रखेंगे, इनको छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल। 2 मिनट हो गए, अब इनको हम पलटते हैं। आराम से पलटेंगे एक एक करके। ये देखिए दोनों साइड से गोल्डन हो गई, अब इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए हमारी गुंजिया एकदम रेडी हो गई और कितनी प्यारी प्यारी लग रही है, सुंदर सुंदर देखिए और टेस्टी। ये खाने बहुत टेस्टी है। आप इसे होली पे, दिवाली पे कभी भी बनाए, सावन का महीना चल रहा है और उस पे भी बनाइए, उस पे बहुत बनाई जाती है। आप भी ट्राई करें
और मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।